की स्वीटी की बात कर रहे हो? वो आज दोपहर से बबली के साथ उसकी गाड़ी में घूमने गई है। अच्छा, और वो हमारे राशन कार्ड के बाकी के मेंबर कहीं बैठे हैं। डैड, आपने चुप कर किसको? हाँ सब लोग। मीनाक्षी हमारी पेट पूजा के लिए किचन में प्रसाद बना रही है। कंप्यूटर क्लास में गई है। छोटी ने मिस्टर मल्होत्रा का उसी की बीवी के साथ झगड़ा करवा दिया, खुला करवाने गई है। और बारिश की वजह से हथियार में जंग ना लग जाए इसलिए अपन उस पर ग्रीस। और कुछ पूछना है? नहीं, बस, बस बस बस। घर में एंट्री होती है इतनी बुरी खबर बहुत है। एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? हाँ। आपको इस घर में रहते कितने साल हुए? एक साल हुआ। हुआ ना? किचन का रास्ता मालूम है? हाँ मालूम है। किधर है? वहाँ है। तो जाओ पी लो, अंदर मटका भी है, ग्लास भी है, जितना पीना है पी लो। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप औलाद से एक गिलास पानी की उम्मीद भी नहीं रख सकते। माँ बाप का क्या, वो तो बच्चों से कुछ भी उम्मीद करते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि उनका बेटा शेषन बने, स्त्री करने वाला स्त्री वाला सोचता है कि उसका बेटा बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बने। बेटा सोचती है कि जल्दी से जल्दी उसकी बेटी जवान हो और माधुरी दीक्षित की जगह खाली हो। लेकिन कभी ये सोचा है कि बच्चे माँ बाप से क्या उम्मीद करते हैं? कभी ये भी तो पूछो। मैं पूछूं? हाँ। बोलो, तू क्या उम्मीद करती है मुझसे? डैड, अपुन आपसे ये उम्मीद करता है कि आप ये दवाई का धंधा छोड़ दो और ड्रग के स्मगलिंग में लग जाओ। इंटरपोल वाले आपको ढूंढे और आप पर कम से कम 2-3 करोड़ का इनाम हो। फिर अपुन भी वर्ड से फाइलों की दुनिया में जाएगा कि अपुन डॉन आनंद मुच्छर की औलाद है। भाई मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा। अंदर जाओ और अपनी छोटी तलवार को ग्रीस लगाओ। मैं खुद तलवार पी लूंगा, ए ग्रीस पी लूंगा। खैर नहीं तेरी, आज आने तो छोटी पंखे पर उल्टा लटका कर लाल। शांति शांति, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो आपका बीपी एकदम हाई हो गया? एक नहीं है यहाँ तो सर्कस के खेल की तरह हर 10 मिनट में नया खेल होता है। उसकी वजह से आज सोसाइटी में खून हो जाता। क्या हुआ ऐसा? वो मल्होत्रा साहब है ना, उनको जाकर कहा आपको पढ़ना नहीं आता? जो आपकी बीवी इंटीरियर डेकोरेटर चड्डा के साथ थिएटर में प्रेम ग्रंथ पढ़ने गई है। मल्होत्रा साहब बंदूक लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। उन दोनों को जाकर किसी ने बता दिया, चड्डा तो चंडीगढ़ भाग गया और बीवी ने झूठी कसमें खाकर माफी मांग ली। लेकिन ये मामला खत्म हुआ या नहीं? अरे कहाँ, मल्होत्रा साहब कहते जब तक छोटी मेरी बीवी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक मैं अपनी बीवी को घर में नहीं दूंगा। छोटी जब से उसे पता चला है कि ये मामला गर्म है वो पूजा की बहन ममता के घर में जाकर छुपी है। लेकिन ये तुम्हें किसने बताया? पूजा को फोन किया था उसने। हा? कहने लगी तुम एक काम करो मेरे घर जाकर ना मेरे जा जोड़ी कपड़े भिजवा दो यहाँ पे। बिना बुरा मत मानना लेकिन ये सब तेरे ट्रेनिंग का नतीजा है। तुमने उसे लोगों के लफड़े में नजर रखना सिखाया। हाँ, और उसने लोगों में लफड़ा करवाना शुरू कर दिया। पता था मुझे। हाँ। अच्छा हुआ तो मेरे नसीब से, बुरा हुआ तेरे कर्म से। ये बात अगर तू बस मैंने उसे बिगाड़ा है ना, अब मैं ही उसे सुधारूंगा। उसकी ऐसी चंपी करूंगी ना आइंदा आग लगाना भूल जाएगी। आग तो लगा कर देखी मेरी छोटी को। तेरी कैसे हो गई छोटी मेरी का? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। तू किसे कह रहे हो? अपने आप से कह रहा हूँ, अपने आप से। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम अपने आप से बातें कर रहे हो, यानी अब तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो कि मेरी प्रेजेंस भी अच्छी नहीं लगती। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाना छोड़ो, इसे कहो पानी लाकर दे तुम्हें, प्यास लगी है कब से। अरे मैं तो भूल ही गया था, थैंक यू थैंक यू। वो क्या है, तुम अब पानी लाओगी ना, मुझे पिलाओगी, इसका मैंने एडवांस में थैंक यू कह दिया। लाती हूं पहले मैं दरवाजा खोलूं। मम्मी क्या हुआ बेटा? बोला क्या है, बस ट्रक या रोड रोड किसी छोटी मोटी चीज से टकराई हो? इतनी टक्कर नहीं हुई किसी से।
देखो। अच्छा अच्छा, टक्कर नहीं हुई इसलिए रो रही है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तेरे बाजू में मॉम डैड बलून जैसी फुल साइज वाले आइटम खड़े, मार ले टक्कर। अरुण ने कंप्यूटर क्लासेस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ठीक जासको, काजल भाई की बहन को धक्के मारकर निकाल दिया, तू चल अपने साथ। उसके क्लास की हालत भंगार के दुकान जैसी नहीं की ना, तो अपन कभी अपने एंग्री यंग मैन के इमेज की कसम है। एंग्री यंग बहन, बिना इसे पूछ ले, ये कंप्यूटर क्लास वाले से धक्के मारने पर क्यों मजबूर हो गए? कुछ राधिका, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे हाथ से छोटा सा कंप्यूटर छूटकर टूट गया। कंप्यूटर बेटी, छोटा सा कंप्यूटर भी लाख डेढ़ लाख का होता है। उन्होंने तो तुझे धक्के मार के निकाला, मेरा बॉस होता तो तुझे गोली मार देता। उनके बाप का राज चलता है क्या? ऐसी टूटने लायक चीजें बच्चों के हाथ में देते क्यों है? दे। या। में है जादू तेरी पतली कमर में, जादू है तेरी बातों में, तेरी बाली उम्र में है जादू, तेरी गली में घर में है जादू। किस खुशी में नाच रही है? मम्मा पता है मैंने एक बुरे वक्त की मारी दुखियारी नारी को पना दिए। मनोरमा जी जरा अंदर आइए। आइए मनोरमा जी, आइए। वैसे भी ये घर अपना नारियों का अड्डा है। क्या बात है मिस एलिफेंटा, आपकी हालत बरसात में भीगे झोपड़े जैसी क्यों हो गई है? इतनी जोर से मत रोइए, वरना हमारे घर के प्लास्टर उखड़ जाएंगे। क्या बात है मनोरमा जी, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं? अब शाम हो गई है, चुप हो जाइए, प्लीज मत रोइए। क्या बात है? क्या हुआ बिल्ली जी को? मुरली ने मुझे बहुत मारा, मेरा खाना पीना बंद करा दिया, निकाल दिया। क्या हिम्मत है मुरली की, ये मुरली कौन है? जरूर WWF का पहलवान होगा। बुलडोजर की हालत पंक्चर हुए साइकिल जैसे कैसे हो सकती है? डैडी, मुरली इनके चौथे पति का नाम है, जिनकी वजह से आज ये बहुत दुखी है। वो तो होंगी ना, अरे हाथ मारेगी तो तेरा यही हाल होगा। दुनिया में लाखों करोड़ों लड़कियां जो पहले बार हाथ पीला करने को बैठी हैं, और तू तू चाचा शादियां करके बैठी है। हाँ मामा, मुझे क्या पता था कि इसके जिंदगी में ऐसा सीन चल रहा है। ये तो रस्ते से जा रही थी, मैंने उससे पूछा कहाँ जा रही है, तो बोलती आत्महत्या करने। मैंने बोला ठीक है, हमारे घर पे आ जा, हमारे घर की छत से आत्महत्या कर ले। अखबार में तो आएगी। विनय जी, इन्हें लेकर इनके घर जा और इनके पति को जरा समझाओ। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। अरे बाहर चलकर देखते तो है कि वो चीज क्या है जिसने अपनी खंबे जैसी बीवी को नूडल जैसा बना दिया। ए बीना, तुम्हें मनोरमा का घर पता है? मुझे पता है, मैंने तो माधुरी दीक्षित का घर भी देखा है। पता है? तुम्हें क्या काम है, मनोरमा तो हमारे घर में है। क्या है? मुझे उस मनोरमा के वर को चेतावनी देनी, अगर हो सके तो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त कर लो। तो केस दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग के हाथ में गया। मेरे पांच पांडवों ने अगर उस मोटी की मदद करने की सुपारी खा ली तो उसके पति की हालत तो नवरत्न की वाम जैसी हो जाएगी। वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है क्या? हाँ, मुझे पता था कि उस हाथी के बच्चे के साथ शादी करने वाला बेवकूफ मेरे ससुराल वालों की कुल का ही हो सकता। क्या रिश्ता लगता है तुम्हारा? जो एक इंसान का दूसरे इंसान से होता है, वो जैसे एक दूसरे का दुख बांटने दौड़ जाती हो, वैसे हम मर्द दूसरे मर्द की मदद नहीं कर सकते क्या? कौन से स्कूल में पढ़े हो? कल्लू भाई लल्लू भाई कोयला वाला म्यूनिसिपल। क्या है, बचपन में मैं बहुत गोरा था,
लेकिन उस कोयला वाला के स्कूल में पढ़कर मैं काला हो गया। इतना भी मत देखो कि क्रिकेट बोर्ड वाले पास बोलर समझकर टीम में ले तो कोयला वाला स्कूल में ये कहावत भी पढ़ाई होगी, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। मतलब इस घर में शांति से रहना है तो लड़कियों से पंगा ना ही लेना। बिना इतिहास में तुम्हारा नाम डामर से लिखा जाए। शायद दुनिया का ये पहला ही केस होगा जिसमें पत्नी पति को बेटियों से डरा रही है। चुपचाप चाय पियो और अंदर जाके आराम करो, वरना लड़कियां आ जाएंगी। मुझे मालूम है, खाने की जरूरत नहीं है। अरे इससे बहस ही क्यों करते हो, सीधे जाकर मनोरमा के पति को बता दो। अरे पता नहीं है ना मेरे पास, ये तो कब का पहुंच गया होगा। अरे मैं बताती हूँ ना, 72 समीर अपार्टमेंट्स पर सुबह। अरे कहाँ जा रहे हो? मनोरमा के घर। मनोरमा के घर? उसका तो तुम्हें पता ही मालूम नहीं था? अभी मिल गया। कहाँ से? तुम्हें बताऊँ इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ। अरे इससे पहले कि इसके सर पर मुसीबत का पहाड़ टूटे मैं उसे सावधान कर देता हूँ। चलता हूँ। बड़ा इतरा कर निकले हैं एक मर्द दूसरे मर्द को पता है, ऐसा पता दिया है कि ढूंढ ढूंढ कर खुद का पता मिल जाएगा। पहुंच भी गए ना तो लिफ्ट बंद है, छह माले चढ़कर उतरने में आधा इंच का और घट जाएगा। छोड़ने का जो मजा आएगा वो तो बंसी कहाँ मिला? बंसी? अरे बंसी नहीं, मुरली। बंसी हो या मुरली, अरे होल करके फूंक मारने वाला इंस्ट्रूमेंट ही तो है। इनके पति की बात कर रहे हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की नहीं। यार अब तुम लोग ये ऑर्केस्ट्रा बजाना बंद करो तो हम लोग कुछ काम की बात करें। मोटी सबसे पहले ये बता कि तू तो मर्दों को गाली देने वाली थी, फिर तुझे ये मर्द वहाँ वाली मिला कैसे? कि उस कुएं से मुझे प्यार आ गया। तो ये सूत्र है कि मर्दों को सच्चे दिल से नफरत करो, तेरा प्यार है। ये एक लंबी कहानी है। हाँ सुना सुना। अरे हट जाऊंगी और केले पर से फिसल कर एक लड़के को चिकनी तुझे बैठेगी, यानी आपकी लव मैरिज है? हाँ, इसके पहले की भी मेरी तीनों मैरिज लव मैरिज थी। प्यार अंधा होता है क्योंकि मुझे तो कोई देखता नहीं है और इस मोटी को चार चार चाहने वाले मिल गए हैं। लव मैरिज में प्रॉब्लम क्या आ गई? वो चाहता है कि अगले साल के मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में मैं हिस्सा लूं। दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? आप महिला WWF में हिस्सा जरूर ले सकती है। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कैसे जीत सकती है? वो कहता है कि मेरी हाइट तो सुष्मिता सेन जैसी है, थोड़ा फिगर पे ध्यान देना। मीनाक्षी आजकल उसने मेरा खाना पीना बंद कर दिया। मानती क्यों है? ऐसा
बेलन से उसका सर फोड़ देना चाहिए। काश मैं ऐसा कर सकती, काश मैं ऐसा कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शादी के तीसरे दिन मैंने उसकी कान मोड़ी और उसे चुमटी भरी। क्या किया? जाके पुलिस कंप्लेंट कर दी और वहाँ लिखवा दिया कि मेरी बीवी मुझे मारती पीटती है, मार देना चाहती है। उसने तो ये भी लिखाया है कि आगे अगर मुझे कुछ हो तो उसकी जिम्मेदार मेरी बीवी ही होगी। यानी वो एक्सीडेंट से मरेगा तब भी आप ही जिम्मेदार होंगे। आपके संसार की हालत तो महाभारत के चक्रव्यूह से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रहता कहाँ है? अरे मेरे ही घर में। नहीं, क्या? नहीं, अरे वो बम्बई आया था हिंदी फिल्मों में हीरो बनने और अब मुझे पता चला कि उसने आपसे शादी क्यों की। अरे बम्बई जैसे शहर में अगर रहने के लिए घर मिले और घर का खाना मिले तो आपसे तो क्या आपकी माँ से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी बातों पर ध्यान मत दो और आप मुझे इतना बताओ कि आपको उसका साथ निभाना है या उसे पीछा छुड़वाना है। अरे मेरी माँ, उसे पीछा छुड़वाना है। ठीक है, छुड़वा देंगे। पहले आप हमको ये प्रॉमिस करो कि आप किसी पांचवे पति को पकड़ के द्रौपदी का रिकॉर्ड इक्वल नहीं करोगे। नहीं, अरे मर्दों के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी ना वो भड़क के ज्वाला हो गई। कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। क्यों बचाया तुमने? क्योंकि इतनी भारी भरकम आइटमें आजकल दुनिया में बनने बंद हो गई है। ओके, उन्हें एंटीक पीस समझ के रख लेना चाहिए। तुम लोगों का काम हो गया ना, जाओ चलते बोलो। ओए चीड़ी के गुलाम, हम लोग ने तेरी बीवी की जान बचाई, समझा ना? तू मुरली है ना, तेरे को मार मार के ढोलक बना दूंगा। तेरी बीवी को बचा के लाए हैं। अरे शुक्रिया अदा कर, चाय पानी वगैरह का पूछ। हाँ हाँ, चाय पानी क्या, आप लोग खाना खा के जाइए। आपकी शादी है क्या जो पूरी बारात को खाना खिलाने चली है? सरदार, पानी भी पिलाया तो एक घंटे तक मुर्गा बना के रखूंगा। क्या तुम जादूगर हो जो एक हथनी को मुर्गा बना दोगे? दो महीने के अंदर इस हथनी को हिरनी बनाऊंगा के रैम पर मधु छपरे के साथ। देखा मनोरमा जी, इसे कहते हैं कहानी किस्मत की। जिस मधु सपरे के घर पर अजगर की वजह से आप लोग मोर्चा लेकर गए थे, उसी के साथ इस सपोले की वजह से आपको कैटवॉक करना पड़ेगा। एनीवे, आप डिसाइड कर लो कि आप हमें खाना खिलाने वाली हो या ठंडा पिलाने वाली हो, क्योंकि मुझे ना अपने नए जेड पॉइंट पर कंप्यूटर कोर्स के लिए एडमिशन लेने जाना है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, मैं आप लोगों को खाना खिला के ही भेजूंगी। नहीं मानेगी? नहीं मानेगी? कतई नहीं मानेगी? एक मिनट, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए आप। मत चढ़ा मेरे अंदर के जानवर को, मत चढ़ा। इसकी जात की, ये तो जॉनी वॉकर देवता फिल्म के संजीव कुमार के डायलॉग मार रहा है। क्या कर लेगा तुम्हारे अंदर का जानवर है? तुम्हें जान से मार डालेगा, मेरी जान। अच्छा, हाँ। देखे ना, नहीं नहीं, हमारी आंखों के सामने आपने इसका
खून किया है। हाँ। हम इस खून के चश्मदीद गवाह है। हाँ। और पहले बार कोर्ट में गवाही देने का हम लोग को चांस मिल रहा है। ओके हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक अबला नारी पर अत्याचार करने वाले राक्षस को कुत्ते की मौत मिले। बहनों पकड़ लो इसे। बोलने दे रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा बाद में लेना, चल अंदर।